आज जैसे मैं जू में आया, मैंने कहा भाई मैं अपना सोनू का हाल पूछूं, और वो यहाँ माशाल्लाह घूम रहा है, तो खा रहा है, पी रहा है। सोनू क्या हाल है? ठीक हो? चलो अल्लाह आपको ठीक करेगा जल्दी, सही है। तो ये अभी बहुत बच्चा बच्चा है, मुझे इससे बहुत प्यार होता है। ये जब मैं वहाँ से ले आया था तो माशाल्लाह इतना खेल रहा था, इसको पता नहीं क्या हो गया अचानक। तो मैंने अपने लव बर्ड को ना इस रूम में अलहदा रखा है ताकि कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, और मैं दो दिन से कह रहा हूँ कि इसके लिए नेस्टिंग मटेरियल लेके आऊँगा, लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बिजी था, आपको पता है यहाँ बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज मैं जाऊँगा पेट मार्केट और वहाँ से मैंने अपने लव बर्ड के लिए नेस्टिंग मटेरियल लाना है। और ये आप देखो बिल्कुल अंदर छुपे पड़े हैं, दोनों कोई भी नहीं है, दोनों अंदर है। तो मुझे तो लग रहा है ये अंडे देंगे, और आज मैं मार्केट से इनके लिए जल्दी नेस्टिंग मटेरियल लेके आऊँगा, और मार्केट से आज बहुत सारी चीज़ें मैंने लानी है। आज हमारे न मिस्त्री अभी तक आया न मजदूर आया, तो हमारा कुडियों का काम भी वैसा पड़ा है, और हमारा ग्रासी का काम भी अभी फिलहाल। मानो पूरी रात सोई है, पता नहीं इसकी नींद कैसे पूरी नहीं होती, तो ये दिन में भी सोई रहती है, रात में भी सोई रहती है। हेलो मानो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आपकी डाइट भी तैयार हो रही है? ठीक है, तो फिर मैं आपको डाइट देता हूँ। पे हमारा हीरा भी आ गया, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो हीरे तुम यहाँ? वहाँ पे मैंने घास दे दिया, जाओ वहाँ खा लो, ठीक है? आपके दोस्त वहाँ खा रहे, तो आप भी जाओ वहाँ पे, ठीक है? ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा है, बहुत शरीफ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है, ठीक हो? तो आते ही मैंने अपने सारे पेट्स, बकरियों, बकरे, बतख, सबको डाइट दे दी। एक हमारी मानो की डाइट रह गई है, जो कि अभी चिकन इसका उबल रहा है, और उसके बाद मैं जाऊंगा पेट मार्केट। आपको तो पता है कि पेट मार्केट में कितने शौक से जाता हूँ, और दुआ करो आज वहाँ पे मुझे बहुत सारे पेट्स मिल जाए। दोस्तों हमारे हीरे के काम देखो, अपने आप को इसने कुर्सी में फंसा लिया। रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, एक मिनट तक जाओ, जाओ यहाँ से, क्यों बदमाशियाँ दिखा रहे हो? आराम से, आराम से, आराम से, चलो पीछे जाओ, हाँ जाओ, 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 अभी आप आज़ाद हो जाओ। और आज हमारे ज़ू में इतना प्यारा हवा चल रहा है, मैं क्या बताऊँ, यहाँ मैं कैसे फील कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हवा चल रहा है। सारे दरख्तों के पत्ते आप देख सकते हो, तो यहाँ तो परिंदों से ज़्यादा मैं इंजॉय कर रहा हूँ। क्या काम देखो, ये हीरा इतना बदमाश बन गई है, यहाँ बिल्कुल वेलिंग कर रही है तो आजकल। हीरे क्या कर रहे हो? चलो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। तो अब ये मैं दे रहा हूँ अपने बकरियों को, चलो आ जाओ। हीरा तो भाई इसका पेट भरता ही नहीं है, और इसके काम देखो यार, तो वाह इतना भूखड़, भाई क्या कर रहे हो आज? भाई इनको तो कितने ज्यादा पसंद है कद्दू, मुझे पता ही नहीं था, मैं इनके लिए ना डेली लाया करूंगा घास और कद्दू। ये तो बहुत, यहाँ लड़ाई हो रही है, वो देखो भाई, आराम आराम से कहो, क्यों लड़ रहे हो? ये देखो यहाँ तो लड़ाई हो रही है कद्दू पे, यहाँ पे इनके रोज वाले काम, रोज वाले काम। ये देखो एक को मैं जब खोलता हूँ, मैं कहता हूँ आप खेल, और ये यहाँ लड़ने पे आ जाता है। जाओ यहाँ से गब्बर, जाओ यहाँ से, तू बात ही नहीं मानता, मैं आपको बंद करूँगा, फिर आपको समझ आएगी। बस भाई यहाँ दोनों खुश हो, ठीक है इसी तरह। ये देखो अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहे कि मैं बाहर निकलूँ और एक को मारूँ। दोस्तों हमारे बकरे ना सारा दिन वहाँ आवारे घूमते हैं, जब इनके डाइट का टाइम आ जाए तो यहाँ आ जाते, और सारा दिन जू में आवारे घूमते रहते। तो मैंने ये फैसला किया मैं यहाँ से इस तरह ना एक जाली लगाऊंगा, ताकि इस साइड पे रहे और इधर ही रहे, बाहर ना निकले। जैसे हमारा जू का डोर खुलता है ये सारे भाग के चले जाते हैं बाहर। तो अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ पेट मार्केट, और देखता हूँ वहाँ से आज मुझे क्या मिलता है। तो मुझे तो आइडिया नहीं वहाँ क्या मिलेगा, तो चलो अभी चलते हैं। दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ पेट मार्केट, यहाँ तो भाई आज हद से ज्यादा रश है, ओहो बहुत ज्यादा रश है भाई आज तो। नहीं इसको, ओ माशाल्लाह इसकी कद देखो। वहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला, सारे मुर्गे और मुर्गियाँ थी जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है। अब मैं जा रहा हूँ पेट मार्केट के अंदर, और देखता हूँ वहाँ से हमें क्या मिलता है। ये क्या देख लिया, छोटी छोटी चूड़ियाँ चॉकलेट कलर के, तो ये तो अभी मेरे पास रखने की जगह नहीं है। ये बजीज और चेनाडब, ये और चीज़ें मैं पहले केजेस बनाऊंगा, उसके बाद मैं ले जाऊंगा। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी, यहाँ पे कबूतर भी पड़े, और यहाँ पे स्टाइलिश चिकन, तो हाँ ये यहाँ पे पोलिश चिकन भी पड़े। ये सिल्की हैंज है ना, सिल्की हैंज, तो मेरा तो मूड बन गया आज मैं एक ये जोड़ा लेके जाऊंगा। मैंने छोटे भाई को कह दिया आप इसको पैक करो कार्टन में, और मैं अभी आगे जा रहा हूँ और आगे देखता हूँ वहाँ से हमें क्या मिलता है। एक ये आ गया, ये नर है, और ये दूसरा, ये नर है ना, और ये मादी है, ठीक है इसको पैक करो।
मैं आगे से आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज मार्केट में बहुत ज्यादा रश है और ये भाई भी मिलने आए हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है और सब ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके डेली व्लॉग देखते हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे व्लॉग बनाए आगे और माशाल्लाह बहुत सारा सेटअप बनाए। अच्छा आपके पास पहले थोड़ा और माशाल्लाह बकरे की तबीयत कैसे है आपकी? बस अब सही है शुक्र है और इसी तरह प्यार देते रहो। ठीक है मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे भी फिंचेस यहाँ पे चाइना डव। तो मैं कोई आज कोई और चीज़ लेने आया हूँ, मतलब कुछ अलग हो। तो यहाँ मुझे कुछ और सब्सक्राइबर मिल गए। क्या हाल है? ठीक हो? क्या हाल है छोटे भाई? तो सब मैं पहुँच गया हूँ ईगल वाले के पास और इससे पूछते हैं कि भाई हमारा ईगल कहाँ है, उसकी मैंने जगह भी बनानी है। तो क्या हाल है ईगल कहाँ है यार? मैं कब से वेट कर रहा हूँ। आगे मैं आपको बता दूंगा, आपको कॉल कर दूंगा। वही कल उसी दिन वाली बात दोस्तों, कह रहे जैसे है कि मैं आपको बता। चलो दोस्तों आप दुआ करो ईगल जल्दी आ जाए और मैं अपने जू के लिए ले जाऊँ। ये कौन से कबूतर इतने बड़े बड़े? दोस्तों मैंने लव बर्ड के लिए नेस्टिंग मटेरियल भी लेना था तो अभी मुझे जावेद ने याद दिलाया तो चलो अभी हम लेते हैं। ये भाई निकाल रहे नेस्टिंग मटेरियल, ये हमारे लव बर्ड के लिए और मुझे यकीन है वो इंशाल्लाह जल्दी अंडे भी देंगे और बच्चे भी निकालेंगे। तो यहाँ से मैंने लव बर्ड के लिए नेस्टिंग मटेरियल भी ले लिया। ये पकड़ो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डव भी मुझे बहुत पसंद है, ये तीन जोड़े और सारे व्हाइट कलर में। तो मैंने भाई उस्मान को बता दिया कि ये भी सारे डालो पिंजरे में डालो। ठीक है पीछे वाले पिंजरे में डालो। पिंजरा भाई के पास पड़ा था, कह रहा आप ये इस्तेमाल करो। मैंने कहा भाई मुझे अपना दे दो, कह रहा ठीक है आप ले लो। ये भी मैंने ले लिया। मैंने सिल्की हैंड्स भी उठा लिए और ये हमारे डव। तो अभी हम जा रहे हैं जू पे। तो मैं पहुंच गया हूँ अपने जू और मैंने डव उठाया, जावेद ने सिल्की हैंड्स उठाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारे सिल्की हैंड्स कितने प्यारे। बस इधर ही रखो जावेद, इधर ही रखो। ये मैंने यहाँ पे डव रख दिए और डव की स्टिक भी नहीं लगी, मैंने स्टिक भी लगानी है और इनको डाइट भी देना है। तो अब मैं इनको खोलता हूँ हमारे सिल्की हैंड्स को। ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारे। चलो जाओ आज से आप ये घर आप गए, जाओ 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 जाओ। माशाल्लाह ये देखो कितने प्यारे हैं, इसकी आंखें का है, आंखें नजर ही नहीं आ रही। और दोस्तों मैंने जो मार्केट से लव बर्ड के लिए नेस्टिंग मटेरियल लिया था तो ये अभी मैं उसके बॉक्स में रखूंगा और इंशाल्लाह वो जल्दी से जल्दी अंडे देंगे और बच्चे निकालेंगे। तो यहाँ क्या करने आ गया हैं? मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे पीछे हीरे आ जाता है। जाओ जाओ बाहर जाओ जाओ। ये आपके खाने की चीज नहीं है और नहीं आपके खाने की चीज। दोस्तों मैंने नेस्टिंग मटेरियल काट दिया और अब मैं इनके बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ। ये तो बाहर ही नहीं आ रहे, ये दोनों यहाँ छुपे पड़े। अब मैं ये नेस्टिंग रखने वाला हूँ अपने कॉकटेल के बॉक्स में। तो मैं कल इंशाल्लाह डव के लिए भी मटके वगैरह लेके आऊंगा ताकि वो भी हम जल्दी से जल्दी ब्रीड करें। और ये मैंने यहाँ रख दिया, ये खुद इसको सही करेगा। अब दोस्तों मैं अपने डव को भी इस रूम में रखने वाला हूँ यहाँ पे इधर अपने लव बर्ड के साथ। और मैं इंशाल्लाह कल इसको यहाँ दीवार पे लगा दूंगा, यहाँ पे लव बर्ड डव कॉकटेल। मेरे पास जितने भी पैरेट्स आएंगे फिलहाल मैं इसको यहाँ इस रूम में रखूंगा यहाँ पे ऊपर ताकि कोई भी इनको डिस्टर्ब ना करे। आज दोस्तों न मजदूर आए न मिस्त्री आए न हमारा घास का काम फिलहाल इधर ही रुक गया और हमारा खुडियों का काम भी उसी जगह पे पड़ा है। हमारे रेबिट का हाउस का काम भी फिलहाल पेंडिंग में। तो ये इंशाल्लाह मिस्त्री उम्मीद है कल आ जाए, मजदूर भी, तो हमारा ये काम इंशाल्लाह करके देगा। और हमारे सिल्की हैंड्स का आपने कमेंट्स में नाम भी बताना है। और ये यहाँ अभी इस टाइम चारपाई के नीचे घूम रही है तो ये अभी देख रही है हम कहाँ आ गए। और मुझे उम्मीद है ये यहाँ बहुत खुश होंगे क्योंकि ये नीचे वाली जगह है, प्लाट है, हवा चल रही है, यहाँ हमारे परिंदे तंग नहीं होते। ये स्टिक मैंने उठाया, फिलहाल इनको इनसे गुजारा करना पड़ेगा तो मैं अब लगा देता हूँ। दोस्तों मैंने डव के लिए स्टिक भी लगा दिए एक दो, तो ये अब यहाँ आराम से बैठ जाएंगे। और यहाँ मेरे पास देखो 3 इडियट्स आ गई। तो आपने फिलहाल ये मेरे रूम का गन और मेरा जू का गन इग्नोर करना है। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ एक बंदा रखने वाला हूँ जो कि प्रॉपर हर रोज सफाई करके दे। फिलहाल अभी मजदूर और मिस्त्री का काम हो रहा है इसीलिए हमारे जू की सफाई भी सही से नहीं हो रही और हमारे कलर का काम भी नहीं हुआ है फिलहाल जितना मैंने किया था उधर ही अभी फिलहाल रुका पड़ा है। तो ये भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा।
आज जुम्मा है इसीलिए कारीगर भी नहीं आ रहा है, मजदूर भी नहीं आ रहा है, मिस्त्री भी नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, आपसे मैंने एक और बात पूछनी थी, जो मैं ग्रासी बना रहा हूँ इसके साइडों पे मैं कौन से फूल लगाऊँ, तो वो भी आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अब कोई अच्छे अच्छे फूल अगर आपको आइडिया हो तो वो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे सोनू की तबीयत अब कुछ बेहतर लग रही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों की दुआ से ना हमारे सोनू आज सेहतयाब हो गया, तो अब देखो चल भी सकता है, घूम भी सकता है। सुबह मैंने इसको रोटी भी अपने हाथ से खिलाई। दोस्तों आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि समद भाई आप वीडियो जल्दी अपलोड किया करो, जल्दी अपलोड किया। बस तो दोस्तों मैं यहाँ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो बस अब मैं यहाँ से फ्री हो गया हूँ, और इंशाल्लाह कल से मेरी वीडियो आपको 12 बजे आ जाएगी। तो आपने मुझे फुल सपोर्ट करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमारे सिल्की हैंस यहाँ के खुश नहीं है, एक ही जगह पे खड़े है। क्या हो गया तुम लोगों को, पसंद नहीं आया मेरा जू? हाँ ये आज आपका जू है, मेरा भी नहीं है, ठीक है? तो आप लोग यहाँ आराम से खेलो, खाओ पियो, ठीक है, एंजॉय करो। यहाँ तो डाइट पे बिल्कुल झगड़े हो रहे हैं, अब देखना मैं थोड़ा रोटी पेंगूंगा, सारे इधर भाग के आएंगे। ये देखो हमारे डक्स गैंग तो इतने भूखड़ है, और ऊपर से थ्री इडियट्स भी। भाई थ्री इडियट्स तो हर किसी को मारता है, कह रहा है मैं पहले कहूँ फिर आप लोग कहा लेना। दोस्तों जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो इसमें दूध है, और मैं अपने सोनू को पिलाने वाला हूँ, देखता हूँ ये पीता है क्या नहीं पीता है। सोनू इधर आओ, सोनू इधर आओ, पियो। हाँ ये तो बहुत ही शौक से पी रहा, और यहाँ थ्री डेट्स के काम देखो। जाओ आप यहाँ से, जाओ जाओ, सोनू को डिस्टर्ब ना करो, जाओ। मैंने जितने भी दूध इसमें डाला था हमारे सोनू ने सारा ख़त्म कर। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।